नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपको सीधे लिए चलते हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गोरखपुर व फूलपुर के लोकसभा उपचुनाव में जनता ने उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखा दिया है और इस प्रकार स्वयं जनता ने ही श्री योगी सरकार के शासनकाल का सीधा आंकलन करते हुए उसे जीरो अंक प्रदान किया है, जिसकी पूरे देश भर में हर जगह व्यापक चर्चा भी है। इस करारी हार से ये भी स्पष्ट है कि प्रदेश की आम जनता से घोर वादा खिलाफी उसे केवल लच्छेदार बातों में फुसलाने व धार्मिक उन्मादों में बहकाने की भूल करने का ही नतीजा है कि मुख्यमंत्री श्री योगी को अपनी परंपरागत गोरखपुर लोकसभा की सीट भी गंवानी पड़ी है। इतना ही नहीं बल्कि इससे पहले भी शहरी निकाय के चुनाव में बीजेपी श्री योगी के अपने मठ की सीट पर भी चुनाव हार गए थे और ये भी सर्वविदित है कि स्वयं बीजेपी के लोग भी अब ये कहने को मजबूर हुए हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी करनी के कारण ही बीजेपी की लुटिया यहाँ डूबी है। उत्तर प्रदेश में स्वयं बीजेपी के नेताओं द्वारा ही यहाँ प्रदेश में हर स्तर पर अपराध नियंत्रण के फेल होने से भाजपा का जंगल राज व्याप्त है और जनहित व विकास के बुनियादी कार्य धन के अभाव के कारण ठप पड़े हैं। इस कारण प्रदेश की आम जनता काफ़ी ठगा हुआ महसूस कर रही है और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव हो रहा था तो विधानसभा आम चुनाव के दौरान तो खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी के अन्य और वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे वो सेंटर के हों या स्टेट के हों, खास तौर से सेंटर के सभी वरिष्ठ नेताओं ने और खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि सेंटर में हमारी सरकार है और यूपी में यदि बीजेपी की सरकार बन जाती है तो धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, धन के कमी की वजह से कोई विकास के कार्य इधर रुकेंगे नहीं और सेंट्रल गवर्नमेंट धन पूरा समय से उपलब्ध कराएगी। लेकिन इस सरकार को बने हुए एक साल हो गया है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, अब विकास के कार्य जब नहीं ये कर पा रहे तो बोलते हैं भाई धन हमारे पास नहीं था। तो जब विधानसभा चुनाव में आपने कहा था कि धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी तो अब इसका बहाना क्यों बना रहे हैं, तो क्यों नहीं धन उपलब्ध कराया विकास के कार्यों के लिए? तो इसका मतलब यह है कि चाहे लोकसभा का आम चुनाव हो या विधानसभा का आम चुनाव हो तो बीजेपी के लोग कहते कुछ हैं और सत्ता में आने के बाद करते उसके विपरीत हैं। तो ये इससे साबित हो गया, कहा कुछ और था चुनाव विधानसभा आम चुनाव में, लेकिन सत्ता में आने के बाद जब वो विकास के कार्य नहीं कर पा रहे और बोलते धन की कमी है तो चुनाव में क्या कहा था कि धन की कमी आड़े नहीं आएगी और अब बोलते कि धन के अभाव के कारण हम कार्य नहीं कर पाए हैं। तो ये सारी चीज़ें जनता ने इसका गंभीरता से नोट लिया है। श्री योगी की सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान सर्व समाज में से खासकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व आम जनहित के रोजमर्रा के जरूरी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अपना ज़्यादातर समय वे धार्मिक कर्मकांडों व पूजा पाठ आदि में ही लगाते रहे हैं। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है।